जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा आज कश्मीर आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं देखता है किस लिए। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे द कश्मीर फाइल्स अपना प्रोपेगेंडा चलाने में सफल हुई और कैसे विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म के डायरेक्टर और बीजेपी की हवा टाइट कर दी। तो पहले हम शुरू करते हैं हमारे रेडिकलाइज्ड भक्तों से जो दूसरों को देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। देखिए जब यही सब थिएटर्स में जाकर कश्मीर फाइल्स देखने गए तो देशभक्तों ने देशभक्ति बुलाकर राष्ट्रगान नहीं बल्कि आरएसएस का गान गाया। आप बताएं क्या इसके बाद भी ये लोग देश प्रेमी कहलाने के लायक हैं? चले मातृभूमि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि हिंदुभूमि सुखं भारतोऽहम् ऐसे एक नहीं हजारों क्लिप्स हैं जो दर्शाते हैं कि हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है। इस क्लिप में ये व्यक्ति खुलेआम इन्हीं का बनाया शब्द लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है और प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा क्योंकि ये मोदी सपोर्टर्स जो हैं। जो 20 साल 25 साल से कम है अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। अगला क्लिप देखकर हर उस व्यक्ति को शर्म आ जाएगी जो कहता है कि हमारा देश ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग खुलकर सांस ले सकते हैं। इस क्लिप में ये लोग खुलेआम ये कहते नजर आएंगे कि मुल्ले काजी काटे जाएंगे। अगर यही बात किसी और धर्म के व्यक्ति ने कही होती तो एक दिन के अंदर अंदर उसे आतंकवादी, जिहादी, खालिस्तानी बता दिया जाता और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती और गोदी मीडिया के चैनल्स छाती पीट पीट कर पूरा दिन यही दिखाते रहते। पर नहीं, माइनॉरिटीज के ऊपर बोला है तो कोई बात नहीं। अगले क्लिप में हमें साफ दिखाई देगा कि जिस मकसद से ये पिक्चर बनाई गई थी वो मकसद तो पूरा कर लिया गया है क्योंकि इस क्लिप में एक तरफ भगवान के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं और दूसरे नारे हैं नरेंद्र मोदी के नाम के, क्योंकि जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया तो वहां सरकार कौन सी पार्टी की थी ये जरूर सर्च कर लें। और दोस्तों जैसे नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि हर सच जनता के सामने आना चाहिए तो सीधी सी बात है गोधरा रायट्स का भी सच जनता के सामने आना चाहिए। ऐसे ही 2005 में निर्देशक राहुल ढोलकिया ने परजानिया नाम की फिल्म बनाई थी जिसने 2002 के गोधरा दंगों की सच्चाई दिखाई गई। पर राइट विंग के लोगों ने ये फिल्म थिएटर्स में लगने से पहले ही थिएटर्स में दंगे करवाए और इस फिल्म को थिएटर में लगने से रोक दिया गया। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर इसका नाम परजानिया सर्च कर देख सकते हैं। और वो घड़ी आ गई है हम सबको जिसका इंतजार था। इस क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे केजरीवाल ने अराजकता फैलाने वाले इन घटिया मानसिकता वाले लोगों की खटिया खड़ी कर दी। मारेंगे तो ये 10 दिन पहले चिट्ठी लिख देंगे चुनाव आयोग को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो, गुजरात के चुनाव टल जाएंगे। अगली बार ये लोकसभा हारेंगे चिट्ठी लिख देंगे जी
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे। क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है। फिर भी डर गए तुम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है, नहीं तो मान लो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ है ये। कल मैंने देखा, आपको भी बुरा लगा, मैं आपके कमरे में जब चाय पीने आया आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया, कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने, क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से दो जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने, ऊपर से आया तो था तो दो जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका, इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, नेता बाहर आता कहता क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, इनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाकर, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे, पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे, घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो, पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया, आठ साल खराब कर दिए। बताओ विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो फ्री हो जाएगी, टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो, इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर, टैक्स फ्री की क्या जरूरत है, YouTube पे क्यों नहीं डाल। कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया, काम पे बोलो क्या कर रहे हो तुम लोग। वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रहे, क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हांक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हांक रहे हैं। एक दिन बोले 3 का कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत शानदार है,
और फिर नीचे मैसेज आया भाई सारे जने तारीफ करो मोदी जी की, सारे बोले वाह मोदी जी वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन तीनों कानून की खूब तारीफ की थी, बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शानदार कानून लेके आए। एक साल के बाद फिर आया भाई तीनों कानून वापस ले लिए, बोलो फिर तारीफ करो मोदी जी की, भाई कानून बेकार थे मोदी जी क्या। इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी दिमाग पे ताला लगा रखा, इन्होंने कहा वाह मोदी जी वाह क्या तीनों कानून खराब थे आपने वापस ले लिया, देश को बचा लिया, क्या मास्टर स्ट्रोक, ये क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार। फिर थोड़े दिन बाद बोले भाई दारू की दुकानों के खिलाफ करो, फिर सारे जने दारू की दुकान बंद करो दारू की। अब दारू ठीक हो गई अब दिल्ली में, आजकल तो शोर नहीं करते तुम लोग। अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको, कुछ ना कुछ ऊपर से आ जाता है काम दे रखा है, अब दारू की दुकानें। मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेपी के साथियों से, आप तो अपने ही हो, आप तो सब मेरे छोटे भाई बड़े भाई, विदुरी साहब तो बड़े भाई है मेरे, आप तो सारे अपने हो यार, थोड़ा सा देश के बारे में सोचो, थोड़ा देश के बारे में सोचो। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था, इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था, इन्होंने क्या दिया आपको, आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा, आपकी बिजली का इंतजाम करा, केजरीवाल काम आता है आपके, आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है, दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, आपके घर में कोई बीमार हो केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता, केजरीवाल काम आया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो, बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो, ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हांक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो, दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ, आपको 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 इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे, राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलके, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार, आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन कर। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.